अब आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट पता है, अच्छा सही बात। आप लोग को पता है इक्विलिब्रियम कितने तरह का हो सकता है जी? इक्विलिब्रियम कितने तरह का हो सकता है? तीन तरह का बेसिकली ना। कौन कौन सा बाबू? ढूंढो फर्स्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम, इज इट? दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड थर्ड वन इज व्हाट? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। वर्क इंजी पावर पढ़ाया होगा तो वहां पे बताता हूँ, और नहीं पढ़ाया होगा तो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को एग्जांपल मैं समझा सकता हूँ, स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल। जैसे देखो आप, ऐसे यहाँ पे कंटेनर है, ऐसे इसमें एक टाइनी स्फीयर ऐसे रख दिए हो आप, बताओ ऐसे जाएगा वो अंत में यहीं आकर के रुकेगा कि नहीं? तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। इसको डिस्टर्ब भी करोगे, स्लाइटली डिस्टर्ब करके छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? अरे होगा ना, ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे है नेट फोर्स जीरो, फिर से इसको अगर डिस्टर्ब भी कर दोगे इधर जाएगा, इधर जाएगा कि नहीं? तो सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे है कि नहीं वो? तो जब भी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रहा तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट जो रहा वहां पे कैसा इक्विलिब्रियम आता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं? इधर जाएगा तो पोटेंशियल बढ़ता है कि नहीं जी? कोई दिक्कत? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में याद रखना, अगर कोई पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इसको यहाँ ले जाकर छोड़ दिए, एस एच एम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं समझ आता है। अरे एस एच एम करेगा कि नहीं वे? अरे करेगा बाबू। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बहुत काफ़ी मशक्कत मेहनत करके आर्यन बाबू बॉल को यहाँ रखें एकदम, अभी नेट फोर्स जीरो है इस पर, है नहीं? रह सकता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, थोड़ा सा जर्क दो तो फिर क्या करेगा वो? अरे लुढ़क जाएगा ना जी। तो सराउंडिंग वाला से पोटेंशियल एनर्जी उसका ज़्यादा है कि नहीं? तो ये भी क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट रहा? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट रहा। एक ऐसे इक्विलिब्रियम रहा अनस्टेबल, थोड़ा सा डिस्टर्ब करो तो फिर यहाँ पे आएगा क्या हो? फिर वहाँ पे लाने के लिए आपको एकदम ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से, लेकिन यहाँ पे डिस्टर्ब कर दो चले जाओ, फिर से देखो कुछ देर बाद यहीं पैक कर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहाँ से छोड़ दो इसको, डिस्टर्ब थोड़ा सा भी करो तो लुढ़का तो लुढ़कते चला गया कि नहीं? दैट इज व्हाट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ एस एच एम का कोई गुंजाइश है क्या? गुंजाइश है क्या? कुछ चांस बनता है क्या? नहीं बनता है। अरे नहीं बनता है ना। अच्छा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बेचारा ये तो कुछ है ही ना, इसको कुछ एनर्जी से मतलब नहीं है, हमेशा सुस्त पड़ा हुआ है हमेशा, इस पर एनर्जी कितना? जीरो। हमेशा कितना एनर्जी उस पर? जीरो। नेट फोर्स इस पर जीरो ही है, तो चाहे किसी भी तरह का इक्विलिब्रियम हो नेट फोर्स तो जीरो ही रहना है। यहाँ पे भी अगर देखो तो ऊपर की ओर नॉर्मल, नीचे की ओर एम जी, यहाँ पे भी ऊपर नॉर्मल नीचे की ओर एम जी, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, यहाँ पे भी नॉर्मल एम जी बराबर है कि नहीं? यहाँ पे आप स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों बोल दे रहे हैं? क्योंकि थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करो तो पोटेंशियल जी इसका बढ़ रहा है कि नहीं? फिर आ करके यहीं पे रुकेगा कि नहीं? तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का बात रहा। समझ में आया? स्टेबल इक्विलिब्रियम में कौन सा स्टेट? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट रहेगा। कौन सा स्टेट रहेगा? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। तो आप लोगों का क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला, एक छोटा सा इंट्रो दे दिया, और भी बातें बहुत कुछ बताया जा सकता है। नेट फोर्स जीरो हो तो एफ इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर होता है, ऐसा पढ़े ना उसके कंडीशन, लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं बस केवल आप लोगों को एक रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहा था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। समझ में आया ना? स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमेशा पार्टिकल क्या चाहता है? कि मैं मीन पोजीशन पे रहूं। कहां पे रहूं? मीन पोजीशन में रहूं, मुझे डिस्टर्ब मत कर। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में वो मीन पोजीशन को छोड़ करके निकल गया, फिर दोबारा नहीं आ पा रहा है, और यहां तो जहां चल रहा है वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी स्टेट है मिनिमम पोटेंशियल। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे समझ में आया? यहां पे तो एसएचएम की बात ही नहीं करोगे, यहां पे एसएचएम की जिक्र करोगे क्या? यहाँ पे एसएचएम का जिक्र करोगे? एसएचएम का मतलब समझते हो? टू एंड फ्रो मोशन, ऐसे पढ़े हो ना? देखो जैसे अब क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को, जैसे देखो चार्ज है यहाँ पे, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस रहा, मैं मान लेती हूँ चार्ज क्यू है, यहाँ पे भी चार्ज क्या है? क्यू। एक एग्जांपल है, समझाता हूँ तो आप लोगों को, समझिएगा जरा अच्छे से। इसके बीच का सेपरेशन कितना ले लियो, थोड़ा सा बढ़ा दो क्या लेंथ को, कन्फ्यूज नहीं हो गए बाबू? एक क्यू है, इसके बीच का सेपरेशन कितना है? डी। कितना सेपरेशन है? डी। दोनों चार्ज है उसके बीच का सेपरेशन कितना? कितना सेपरेशन? क्लियर। अब मैं मान लेता हूँ इसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे, कितना कहाँ पे बाबू? मिड पॉइंट पे एक चार्ज हमने क्या रखा, समझाने के लिए केवल मैं मान लेता हूँ कि एक चार्ज पार्टिकल एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट का मतलब यहाँ से कितना डिस्टेंस? डी बाई टू पी। कहाँ पे? डी बाई
टू पे। अब आप बताओ जरा, अगर डी बाई टू पे आप रखे हो चार्ज, जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू नोट है और मास कितना है एम, यही चार्ज है यहाँ पे, और उस चार्ज को हमने ले जा करके यहाँ पे रख दिया है, कहाँ पे, ओ पे, कोई प्रॉब्लम? अब इसको इधर देखो, इसको इधर ले जा रहे हैं, इसको इधर ले जा रहे हैं, इधर इस लाइन के लिए हम डिस्टर्ब करेंगे, तो बताओ तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल या अनस्टेबल? इसको यहाँ ले गए, डिस्टर्ब कर रहे हैं ना हल्का, मैं मान लेता हूँ बहुत छोटा स्मॉल से डिस्टर्ब किए, जो डिस्टर्ब किए एक्स ले लिया, दैट इज मच मच स्मॉलर देन डी, डी से बहुत छोटा है, समझ में आ रहा है? तो अगर आप इसको डिस्टर्ब करोगे इधर, तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है ना, तो ये वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि नहीं, ये वाला भी अट्रैक्ट करेगा कि नहीं, अट्रैक्ट करेगा, कौन वाला, ये वाला भी अट्रैक्ट करेगा और ये वाला भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर फोर्स इतना, इस पर फोर्स इधर, तो यहाँ पे अगर आ गया, सोचिए जा करके देखो जरा, इसका फोर्स ज़्यादा हो जाएगा ना जी, और इसका फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा कि नहीं, इसका फोर्स थोड़ा कम हो गया, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ना है, अरे मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, तो ए वाला क्या है देखो यहाँ पे, अगर ए वाला देखोगे थोड़ा सा भी एक्स ले लोगे, यहाँ से एक्स ले लिए, तो ये वाला क्या हो जाएगा, नीचे जो लिखोगे के क्यू क्यू, समझाने के लिए मैं बताता हूँ, मान लेते इस पॉइंट पी पे, कहाँ पे है, पी पे, बताओ तो ए वाला चार्ज पार्टिकल का नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, पी पे बताओ क्या हो रहा होगा, बताइए पी पे, नेट फोर्स ऑन ए, नेट फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी, यही ना होगा, नेट फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी, क्या लिखिएगा बताइए, के क्यू क्यू नोट अपॉन, बोलो, डी बाई टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे बताइए, नेट फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए, बताइए क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू नोट अपॉन डी बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है, अरे कोई प्रॉब्लम? तो ए फोर्स क्या चाहेगा, देखो इधर फोर्स बड़ा हो गया ना, इधर फोर्स छोटा हो गया ना, हुआ कि नहीं, तो क्या इस डायरेक्शन में अगर ऐसे रहता है एसएचएम होगा क्या, ये दूर जाना चाह रहा है, ये क्या जा रहा चाह रहा है, दूर जाना चाह रहा है, ये क्या चाह रहा है, दूर जाना चाह रहा है, किधर जाना चाह रहा है, दूर, समझ में आ रहा है, तो ये जैसे दूर जाना चाह रहा है, तो अगर इस पर नेट फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए इधर है और नेट फोर्स ऑन, बैठो, नेट फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी इधर है कि नहीं, तो आप बताओ किसका फोर्स ज़्यादा रहा, इसका फोर्स ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया, इसका फोर्स कम रहा कि नहीं कम रहा, तो नेट फोर्स जीरो है क्या, अरे नेट फोर्स जीरो है क्या, नेट फोर्स तो जीरो नहीं, लेकिन अगर बहुत एजम्पशन रहा कि एक्स इज मच मच स्मॉलर देन डी, तब भी तो नेट फोर्स इस पर जीरो हो सकता है कि नहीं, अरे हो सकता है कि नहीं, तो अगर पार्टिकल को छोड़ दे तो क्या इसके अलोंग एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, इधर फोर्स ज्यादा हो जा रहा है, यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन में मान करके रखो कि एक्स बहुत छोटा है तो होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हो, इस चीज पे थोड़ा सा गौर करना है, बनाएंगे अभी, समझ आया कि नहीं। अच्छा इसी चीज को अगर मैं मान लेता हूँ, बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, कि अगर यहाँ पे देखो क्यू है और यहाँ पे भी क्या है क्यू है, अरे है, अब बताइए ये देखो यहाँ पे एग्जैक्टली वही पिक्चर है, बता रहे हैं ये कितना डिस्टेंस है, डी बाई टू, और ये वाला भी डी बाई टू, अगर एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज माइनस क्यू नोट है और मास कितना है एम, और इसको हमने परपेंडिकुलरली थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्टर्ब कर दिया ऐसे, मान लेते हैं यहाँ चला गया एक्स, अगेन एक्स इज मच मच स्मॉलर देन डी बाई टू, या डी तो डी से छोटा है तो डी बाई टू से भी छोटा तो होगा ही, अब बताओ इस पर नेट फोर्स कितना होगा, इसकी वजह से इस पर फोर्स निकालोगे आप, इसको डिस्टर्ब कर रहे हो इधर, तो ए इधर है तो ए वाला इधर खींचेगा, ए वाला भी इधर खींचेगा, दोनों का नेट फोर्स इधर होगा, इधर इधर वाला जीरो कि नहीं, तो आपको याद करना है एसएचएम कौन करता है, पहले दिमाग में गलत धारणा जो बैठा रहता है उस चीज़ को थोड़ा सा दूर कीजिए, पहले बताइए तो एसएचएम करता कौन है, पहले बात बताइए तो एसएचएम होता कहाँ पे, तो याद रखना जब पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तभी एसएचएम होगा, पार्टिकल जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तभी एसएचएम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स उस पर क्या होगा, जीरो, पोटेंशियल स्टेट मिनिमम होगा, एकदम बात समझ में आ रहा है ना, तो किसी भी एसएचएम का याद रखना कितने एक्सट्रीम पोजिशन, दो एक्सट्रीम पोजिशन, अरे यहाँ यहाँ एक तो ये थोड़ा सा एंगुलर हो गया, लेकिन अगर लीनियर में जाए तो यहाँ ये चला ना एक्सट्रीम पोजिशन, फिर यहाँ से यहाँ लौटा, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, अरे यही ना है, तो दो एक्सट्रीम पोजिशन और एक मीन पोजिशन, अरे समझ में आ रहा है, पिक्चर विजुअलाइज कर पा रहे हो,
सोच लो थोड़ा देर के लिए, मान लो कि एक बॉब को ही बांध दिए, थोड़ा सा एंगल के लिए लेना, लेकिन ऐसे स्ट्रिंग बांध दिया। अब स्ट्रिंग में धागा उगा तो है यहाँ पे नहीं, लेकिन इसलिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मैं करा के दिखा देता आपको, तो क्या होता है धागा को अगर डिस्टर्ब करते, पहले यहाँ बताओ यहाँ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट है कि नहीं, इमेजिन करो ऊपर टेंशन, नीचे की ओर एमजी, नेट फोर्स जीरो है कि नहीं अभी इस पर, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको छोड़ दोगे अगर चले गए कहीं नाना जी के यहाँ, तो कुछ दिन साल बाद आके देखोगे तो स्ट्रिंग ऐसे ही नहीं हैंग करते हुए नजर आएगा जी। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। डिस्टर्ब कौन किया, एक्सटेंड एजेंट, हम लोग डिस्टर्ब किए, तो मेरा वाला वर्क डन इसमें स्टोर हो गया, अरे स्टोर हो गया ना, तो ए वाला यहाँ जा रहा है, यहाँ गया कि नहीं, एक्सट्रीम पोजिशन पर पहुँचा, वहाँ पे एक्सट्रीम पोजिशन पे पहुँचा, ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि एक्सट्रीम पोजिशन वेलोसिटी का खत्म, तो एक्सट्रीम पोजिशन का कैरेक्टरिस्टिक्स ही क्या होगा, वेलोसिटी जीरो की नहीं, अरे वेलोसिटी जीरो की नहीं, लेकिन पोटेंशियल जी मैक्सिमम रहा कि नहीं यहाँ पे, फिर से यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा कि नहीं मेन पोजिशन पे, फिर यहाँ से यहाँ गया कि नहीं, अरे गया, यहाँ पे वेलोसिटी कितना, फिर यहाँ पे आया कितना वेलोसिटी, फिर यहाँ पे क्या, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, जीरो नहीं बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, ए हो गया ना, ठीक है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो, यहाँ पे एम्पलीट्यूड, अब यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ पहुँचा है, टाइम पीरियड मतलब टाइम कितना, टी बाई फोर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसकी भूत का टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो ना, यही आया ना जी, टोटल डिस्टेंस, बात समझ में आ रहा है। अब बताओ ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, यहाँ पे इमेजिन कर पा रहे हो ना, नहीं तो फिर ढिचकाए वाला इमेजिन करो ना, केवल बचपन नहीं किया ढिचकाए, आह ऐसे करते हो कि नहीं बचपन, तो वही चीज़ याद रखना है यहाँ पे, ध्यान देना, क्लियर है कि नहीं। अब सोचो जरा यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट ही ना कराया जी, मेरे पास ज़्यादा ताकत रहता तो यहाँ तक जाता कि नहीं, हो ऐसे ही ना होते रहता जिंदगी भर, मतलब जिंदगी भर करके चले गए ऐसे रंजन करके चले गए और जिंदगी भर हो रहा है, 10 साल बाद बेटा को ला रहे हैं रूम में, देख रहे हैं कि ऐसे ही हो रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे तो डैम्पिंग फोर्स आ जाता है बीच में ना, तो उसके वजह से ऐसे ऐसे करते 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 रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन डैम्पिंग फोर्स को इग्नोर करना है, तो जिंदगी भर ऐसे करते रहता कि नहीं, अरे नहीं सोचा इस रूम में ऐसे पेंडुलम रहता तुम डिस्टर्ब करके जाते रंजन, फिर 10 साल बाद बेटा को लाते देखने के रूम में हम पेंडुलम करके देखें ऐसे ऐसे आता कि देखें हाँ पापा दिख रहा है, ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना रंजन खुश होता है, देखो चेहरा पे स्माइल आता है पापा का नाम सुनते ही। तो कहने का मतलब ये बात समझ में आया, दिमाग में बैठा कि नहीं, तो याद रखना एक्सटर्नल एजेंट ही ना करता है डिस्टर्ब जी। तो यहाँ पे कौन डिस्टर्ब किया है, यहाँ पे हमने डिस्टर्ब कर दिया, किधर डिस्टर्ब किया, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, अरे दोनों को मिला रहे ना, तो इस लाइन जो मिल रहा है लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर हमने डिस्टर्ब करा, लेकिन जो डिस्टर्बेंस रहा एक्स दैट इज मच मच स्मॉलर देन डी, अरे रहा, तो अब क्या होगा सोचो जरा समझाने के लिए। ये चार्ज पार्टिकल थोड़ा सा बड़ा फिगर बना दे रहा हूँ ना, ये चार्ज पार्टिकल मान लेता हूँ यहाँ पे पहुँचा, अरे पहुँचा रे बाबू, एक्स मान लेते, थोड़ा बड़ा दिखा देता हूँ पिक्चर के लिए, इसके वजह से फोर्स इस पे इधर आएगा नहीं आएगा, इसके वजह से फोर्स इधर आएगा, अरे अट्रैक्टिव, इसका दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, इसका भी दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, ए वाला तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, इक्वेटोरियल पॉइंट में कहीं पे भी फील्ड निकालिए या फिर फोर्स निकालिए मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा ना, अच्छा जी, तो ए वाला कंपोनेंट खत्म, तो ए वाला उधर दूर जा रहा था तो नीचे आ रहा था कि नहीं यहाँ पे, अब यहाँ पे गया तो यहाँ पे तो आगे की ओर जा रहा, कौन वेलोसिटी दिया है, अरे एक्सटर्नल एजेंट तू ही ने डिस्टर्ब किया था रे मंगरू, अरे ऐसे डिस्टर्ब किया था तो ये जा रहा था ऊपर, लेकिन नेट एक्सेलेरेशन नेट फोर्स इधर लग रहा था कि नहीं, तो बेचारा जा रहा होगा हमेशा नीचे घिर रहा है, खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है, अंत में जाके जीरो हो गया कि नहीं, अब फिर क्या करेगा वहाँ पे, अब यहाँ पे तो जीरो नेट फोर्स उस पर जीरो, अब फिर क्या करेगा, एक्सेलेरेशन तो है ना, अब एक्सेलेट करा यहाँ तक मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया कि नहीं, एक बार जीरो तो नहीं होगा, अब यहाँ जीरो होने के बाद ही नहीं मैक्सिमम वेलोसिटी होगा कि नहीं, फिर नीचे जा रहा होगा तो फिर यही वाला कंडीशन एग्जैक्टली आ रहा होगा कि नहीं, फिर से यहाँ पे वैसे, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे वाला कंडीशन,
नेट फोर्स इधर, ये वाला कटा होगा, अरे समझ रहे हो ना, तो फिर इधर जा रहा हो कि नहीं, फिर यहाँ पे मैक्सिमम, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, SHM नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो रे डोंडू, यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी रहा कि नहीं, ऐसे कह रहा है नहीं 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 हुआ कि नहीं SHM। अरे एक झूठ आता है ना, ये सब क्या बोला जाता है सब, मैं तो मुझे आइडिया नहीं है सब। या जैसे एक स्प्रिंग बांध दिया, तुम इस पर जंप कर रहे हो, तो जंप करो ऐसे 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 नहीं होते रहोगे, तो क्या SHM हो रहा है कि नहीं हो रहा है SHM? अरे SHM हो रहा है कि नहीं बे? अरे SHM हो रहा है कि नहीं बे? प्रेम से पूछते तो बताता ही नहीं, तो SHM हो रहा है तो पूछ देगा SHM हो रहा है, हालांकि आप लोगों को पूछेगा नहीं कि SHM हो रहा है, अब टाइम पीरियड निकालो, SHM हो रहा है तो टाइम पीरियड निकालो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखना इफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स और नॉट, याद है SHM हो रहा है तो SHM का करेक्टरिस्टिक्स क्या है, पढ़ाया हुआ है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए SHM होता है, याद रखिए एफ जहाँ पे भी देखिए एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स टाइप का फोर्स, तो क्या हो जाता है, याद है ना, एक SHM को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है, और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते तो एफ इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू क्या लिखते हैं आप, माइनस के एक्स, तो ए इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस के अपॉन एम इंटू व्हाट एक्स, तो एक्सेलेरेशन किसके बराबर, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स कर देते हैं, तो अब अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर रहा, के अपॉन एम के बराबर, अरे पता है ना ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और यहाँ पे एम मास कांस्टेंट है, खैर ये सब पे बात नहीं करना है, यहाँ पे स्प्रिंग वाला बात अलग है ना, लेकिन फिर भी ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आया ना, के कोई कांस्टेंट होगा, एम क्या है, मास है, अब बताओ जब भी आया तो यहाँ से कंपेयर करके ओमेगा निकाल लेते हैं कि नहीं, ओमेगा निकल गया तो टाइम पीरियड नहीं निकल जाएगा, टी इक्वल टू पाई बाय ओमेगा ही ना होता है, तो फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल लोगे, टाइम पीरियड का रिवर्स ही तो होता है, तो आपका कहीं पर भी दिखना ये क्या दिखलाता है माइनस ओमेगा, दैट फोर्स इज बोल सकते दैट फोर्स इज नेगेटिव, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे देखो जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर दे रहे हो कि नहीं, डिस्प्लेस कर रहे हो कि नहीं, फोर्स नीचे की ओर लग रहा है कि नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहा कि नहीं रहा, अरे रहा क्या नहीं रहा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहा क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट रहा कि नहीं, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हाँ कर रहे हैं आप लोग, एकदम गजब सुस्त इंसान हो एकदम, उसके जैसे थोड़े सुबह केवल बस चार पराठा खाने के चलते वो लेट से आता है, और कुछ रीजन नहीं है उसके पास, आप समझ में आया, क्लियर रहा, तो SHM हो गया, क्या हो गया इसमें SHM, क्लियर है, तो इस चीज़ को कॉपी कीजिए फिर बात करते हैं। यहाँ पे भी चार्ज क्या था बाबू, क्यू था, कोई प्रॉब्लम, आप इसको परपेंडिकुलरली यहाँ से कराए थे क्या, डिस्टर्ब किए थे ना इस लाइन से, परपेंडिकुलरली डिस्टर्ब किए थे, मैं मान लेता हूँ इस लाइन के लोग डिस्टर्ब की, ये डिस्टेंस हम लोग एक्स माने हैं ना, यहाँ पे निकाले फोर्स, तो आप वहाँ पे फोर्स निकालने के बजाय फील्ड निकाल लो और जो चार्ज है उसको पुट कर दो, अच्छा अगर पॉजिटिव चार्ज रहता तो क्या होता, वैसे SHM करता क्या, पॉजिटिव चार्ज नेट फोर्स ऊपर की ओर लगता तो निकल जाता कि नहीं हो, तो SHM तो होता नहीं ना, तो याद रखना माइनस क्यू है तभी SHM हो रहा है, यहाँ पे माइनस क्यू रखते यहाँ पे प्लस क्यू रखते तो SHM होता कि नहीं, तो भी फिर SHM होता, तो याद रखना आप निकाल सकते हैं आप लोग, बताइए इसके वजह से इस पर फील्ड निकालिए, मैं मान लेता हूँ यहीं से डिस्टर्ब किए हुए हैं जी, क्यू माइनस क्यू नोट मास है चार्ज का, सॉरी माइनस क्यू नोट चार्ज है जो मासिक पार्टिकल है उसका, और मास कितना है एम, अरे यही ना, आप बताइए तो जरा यहाँ पे इसके वजह से नेट फील्ड कितना हो जाएगा, फोर्स से भी चूंकि फील्ड में पढ़ा दिया इसलिए मैं फील्ड लगा दे रहा हूँ, फील्ड और फोर्स में कुछ खास फर्क नहीं है, अरे एक यूनिट चार्ज को प्लेस कर रहे हो जितना फोर्स फील कर रहा है वही तो फील्ड है, अरे वही ना फील्ड है, एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, याद रखते हो आप क्यू टू को वन कर दो वन कूलम चार्ज जितना फोर्स फील कर रहा है वही तो फील्ड है, अरे वही ना फील्ड है, तो इसके वजह से यहाँ पे फील्ड निकालिए, ए पॉइंट का नाम क्या दिया था आपने, ए दिया था, इसका नाम बी, इसका नाम क्या दिए थे पी, अरे पी दिए हो ना, बताओ फोर्स ऑन ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए, निकाल सकते हैं ना, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हूँ ना जी, अगर एक से और ए वाला क्या है डी बाई टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए निकाल सकते हो कि नहीं, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू ए क्या हो जाएगा, बताइए के क्यू क्यू नोट अपॉन, फील्ड पूछा हो तो क्यू नोट कहाँ से आएगा बे, अपॉन क्या ए पी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दो ए पी का होल स्क्वायर, आप देखो तो एपी का वैल्यू अगर रखना चाहे तो रख दो, के की ओपन एपी कितना है एक्स
स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन फोर का अंडर रूट का होल स्क्वायर करोगे तो वही ना आ जाएगा। अरे कोई दिक्कत है, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन फोर, एक पाइथागोरस थ्योरम रे बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर करोगे तो यही ना आएगा, यही ना रहा, कोई दिक्कत। अच्छा, इसके वजह से नेट फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी, या नेट फील्ड बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू बी निकाल सकते हैं कि नहीं आप लोग बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू बी बताइए कितना होगा। अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बता सकते हैं, यही वैल्यू ना रहा होगा, के क्यू अपॉन क्या बी पी का होल स्क्वायर। तो आप वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, के क्यू अपॉन क्या एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन फोर। मैं बोला हूँ ना कि जब सेम क्वांटिटी आए तो मान लो उसको ई, इसको अगर मान लेंगे मैग्नीट्यूड तो इसका भी मैग्नीट्यूड ई ही ना होगा, ऐसा तो मैं पहले ही सिखलाया हूँ ना, एफ मानते थे यहाँ पे ई माने, कोई दिक्कत है क्या। अच्छा, तो इसका मतलब ए ई इधर भी है और ए ई इधर भी है। अब आप कंपोनेंट रिजोल्यूशन खेल सकते हो, थीटा किसी का भी नाम बोल सकते हो, हालांकि तुम लोग को तो पढ़ाया गया है ऐसे ही नेट ई नेट निकालना है तो याद करो ए जो एंगल होगा, ए जो एंगल होगा दोनों को बाइसेक्ट करेगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इनिट इधर ही ना होगा। पढ़ाया हूँ, डायरेक्ट भी पढ़ाया हूँ आपको, अगर कोई कंपोनेंट का रिजोल्यूशन नहीं करना है, लोचा नहीं क्रिएट करना है, तो डायरेक्ट पढ़ाया गया है कि नहीं, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इंक्लाइन टू इच अदर एट एन एंगल ऑफ थीटा, द रिजल्टेंट विल बी हुआ टू ए कॉस थीटा बाई टू। तो यहाँ इनिट जो हो जाएगा, अगर बात करेंगे ए अगर थीटा है, ए थीटा है, तो इनिट क्या बाइसेक्ट करेगा कि नहीं जी, तो इनेट ई नेट फील्ड जो होगा इनेट एट पी क्या हो जाएगा बताइए, टू ई कॉस ऑफ थीटा बाई टू नहीं होगा, तो टू ई कॉस टू थीटा बाई टू नहीं होगा, तो बताइए टू ई कॉस थीटा हुआ कि नहीं हुआ, डायरेक्ट भी कर सकते। और नहीं तो बहुत लोग लोचा क्रिएट करता है कि सर नहीं कंपोनेंट रिजोल्यूशन से करेंगे, तो कंपोनेंट रिजोल्यूशन से भी किया जा सकता है, कोई बड़ा चीज़ तो है नहीं। क्या करते कंपोनेंट रिजोल्यूशन से बताइए, इसका ई का दो कंपोनेंट होता है, एक ई साइन थीटा इधर, अरे होता, और एक ई कॉस थीटा इधर की ओर आता कि नहीं, अरे बाबू इसका एक कंपोनेंट इधर जाता, याद है ना कैसे कंपोनेंट रिजॉल्व करना, ऐसा पढ़ाया गया है ना, और ये क्या है इधर क्या ई कॉस थीटा होता, तो बताओ ई साइन थीटा करता तो टू ई कॉस थीटा ही रहता है किसी भी केस में, कोई दिक्कत है क्या। अरे बात बराबर है ना, किसी वे में सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए अगर ई नेट पता चल गया कितना है, टू ई कॉस ऑफ थीटा बाई टू, यही ना इनेट रहा, तो बात कर सकते हैं आप लोग, टू ई कॉस थीटा रहा ना इनेट, तो बता फोर्स जो होगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल क्यू नोट एट दैट पॉइंट, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल क्यू नोट एट पॉइंट पी, यही ना माइनस क्यू नोट है। तो इसकी जो फील्ड जो निकाले हैं, पहला बात तो ये बात तो सोचना चाहिए था आप लोग को, अगर कभी भी हमने क्या किया गौर से अगर देखा जाए तो जो फील्ड निकाला वो नीचे की ओर फील्ड होता कि ऊपर की ओर फील्ड होता, देखो ना मैं पहले ही से दिमाग में बैठा लिया था कि यहाँ पे टेस्ट चार्ज जो ले रहे थे हम लोग नेगेटिव लिए हुए थे, क्या लिए हुए थे नेगेटिव, हालांकि फील्ड का जो डायरेक्शन होता वो तो इधर जाता ना, और इधर जाता कि नहीं जाता, फिर रिजल्टेंट उधर जाता कि नहीं जाता, लेकिन दिमाग में पहले ही से बैठा हुआ था कि माइनस क्यू नोट और एम है, ऐसा कर लिया गया, जो कि वाकई में अगर देखा जाए फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो गलत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखती तो इधर जाता ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाता कि नहीं जाता, तो दोनों का रिजल्टेंट इधर आता ना, लेकिन मैं पहले ही से हमारे हम लोग के ब्रेन में शायद ये बैठा हुआ रह गया कि चार्ज वहाँ पे जो प्लेस किया हुआ माइनस क्यू नोट। अरे कोई दिक्कत है, टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव ही कंसिडर करा जाता है इन जनरल, और होता भी है पॉजिटिव, तो अगर हम लोग इसको लिखते भी अगर डायरेक्ट ऐसे लिखने के बजाय तो फोर्स के टर्म में भी तो लिख सकते थे, यही काम होता ना, छोड़ो फील्ड का कंसेप्ट अगर गड़बड़ा गया तो फोर्स के कंसेप्ट से भी पढ़ते तो यही चीज ना आता, बात समझ रहे हो कि नहीं। जैसे अब इसको कर देते यहाँ पे नेट फोर्स ही कर देते, मान लेते यही चार्ज क्यू नोट है ना यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट अगर नहीं लगाते तो डायरेक्ट फोर्स करते, यहाँ पे क्यू नोट था, क्या था यहाँ पे क्यू नोट था ना जी, तो नेट फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए होता है, इस यहाँ पे क्या है मान लेते हैं आपका क्या माइनस क्यू नोट चार्ज प्लेस है ना, माइनस क्यू नोट चार्ज, तो उस पर फोर्स ए फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए होता, तो फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए लिखते तो क्या लिखते आप बताइए, के क्यू यहाँ पे क्यू नोट लिखते कि नहीं, के क्यू क्यू नोट लिखते कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाता एफ ही ना होता। अब फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी तो क्या के क्यू क्यू नोट लिखते, यहाँ पे भी क्यू नोट होता, फिर ये भी तो एफ ही ना रहता, कोई दिक्कत था, ए फील्ड का कंसेप्ट खत्म हो जाता, तो क्या होता एफ कॉस थीटा और ये क्या हो जाता एफ कॉस थीटा, ये भी क्या होता एफ साइन थीटा और ये भी क्या हो जाता आपका
एब्सेंट लेटर, इससे कन्फ्यूज मत होना, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, ये क्या रहता है एफ पी बी। तो एफ नेट एट पी क्या हो जाता है, एफ नेट एट पी जो होता है वो क्या, टू एफ कॉस टू थीटा बाई टू, तो टू एफ कॉस थीटा होता कि नहीं होता। अरे कोई प्रॉब्लम, अब डिस्प्लेसमेंट किधर कराया हो तुम लोग, उधर और नीचे की ओर आया है कि नहीं, तो दिख रहा है कि जो एफ नेट जो आया है, एफ नेट जो आया है किस पे, एफ नेट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू नोट एट पॉइंट पी। तो आप बताइए एफ नेट किसके बराबर रहा, बताइए टू एफ का वैल्यू कितना, के क्यू क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन फोर हो गया टू एफ। कॉस थीटा का वैल्यू बताइए, थीटा बी बाई एच, थीटा के लिए बी कितना एक्स, अरे एक्स ही ना होगा अपॉन दैट, तो क्या हो कॉस थीटा एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन फोर, अरे होगा कि नहीं। तो बताइए तो जरा एफ नेट जो रहा हो किसके बराबर हो गया, टू के क्यू के क्यू क्यू नोट इंटू व्हाट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन फोर का पावर थ्री बाई टू। कोई दिक्कत है क्या, अब बताओ अगर हम लोग थोड़ा सा भी सेंस काम करते, अगर सेंस यूज कीजिएगा तो बताए फोर्स और एक्स के बीच कितना एंगल है, अगर वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करते तो फोर्स और वेक्टर, फोर्स नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर था कि नहीं, तो ऑब्वियस अगर बात है माइनस एन पुट कर सकते हैं कि नहीं, पुट करने की कोई जरूरत नहीं लेकिन दिमाग में बैठ गया, एसएचएम वहीं शुरू में दिख गया था ना, तो पार्टिकल को डिस्प्लेस किधर कराया ऊपर और फोर्स किधर लग रहा है नीचे की ओर। अच्छा इतना तो तय रहा कि फोर्स रहा एक्स के प्रोपोर्शनल रहा, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, अभी तक तो नहीं है, क्यों, क्योंकि नीचे भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी है ना टर्म जी, लेकिन जब क्वेश्चन कह रहा है सिंस एक्स इज मच मच स्मॉलर देन डी बाई टू, व्हाट डज इट इम्प्लाई, एक्स जब डी एक्स जो है डी बाई टू से बहुत छोटा है, एक्स जो है डी बाई टू से बहुत छोटा है या डी से बहुत छोटा है, डी और डी बाई टू तो लगभग बराबर ही होगा, मतलब बड़ा ही वैल्यू होगा ना, बराबर नहीं मतलब बड़ा ही वैल्यू, अगर डी बड़ा है 10,000 करोड़ रुपया की बात कर रहे हो तो वहाँ पर 5,000 करोड़ भी तो बड़ा ही ना हुआ जी एक, तो एक्स बहुत छोटा है डी बाई टू से, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है ये इम्प्लाई कर रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर को आप क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर अपॉन फोर लिख सकते हैं, अरे कोई दिक्कत है क्या, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बात समझ में आया, हो गया खत्म। तो आप बताइए एफ नेट किसके बराबर रहा, अभी एफ नेट जो रहा वो किसके बराबर रहा बताइए, माइनस टू के क्यू क्यू नोट, अब बोलोगे सर इसको इग्नोर क्यों नहीं कर रहे हैं, तो देखो इग्नोर प्रोडक्ट को इग्नोर नहीं करा जाता है, इग्नोर एडिशन को ना कर सकते हो जी, मान लेते 4000 यहाँ पे कंसिडर किया तो 4000 प्लस 2 रुपीज, तो इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर कोई बोल दे 4000 इंटू 2 तो बहुत ज़्यादा ना फर्क पड़ गया जी, अरे 8000 हो गया वो, तो वहाँ इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बोलिएगा सर यहाँ भी इग्नोर कर दीजिए कैसे भी, तो गड़बड़ हो जाएगा एकदम। मान लेते इसी को 4000 था ठीक है ना, उसमें 0.002 कर दिए ऐड, कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये तो रोने लगेगी, इसको घर से मिला 40,000 रुपया और 2 रुपया गायब हो गया, थाना पहुंच जाओगे क्या, अरे नहीं ना। लेकिन अगर इसी में अगर 40,000 था, 40,000 में 0.002 से मल्टीप्लाई करो तो अंतर पड़ेगा कि नहीं जी, बहुत छोटा वैल्यू ना हो जाएगा फिर, तो याद रखना हम लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों का एडिशन कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, तो इग्नोर हो गया, तो 2KQQ0 अपॉन क्या हो गया ये डी स्क्वायर बाई फोर, मतलब छोड़ना यार डी बाई टू का पावर 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं, 3 लिख सकते हैं डायरेक्ट, डी बाई टू का होल स्क्वायर का पावर 3/2 तो 2 कटेगा तो डी का पावर 3 होगा कि नहीं, अच्छा एक्स रहा कि नहीं। अब बताओ तो जरा एफ नेट किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस 2KQQ0 अपॉन क्या डी बाई टू का होल क्यू है ना इंटू क्या एक्स, ए एम उठ करके यहाँ नीचे आ जाएगा, अब बताओ यही ना ओमेगा रहा, ओमेगा स्क्वायर रहा कि नहीं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या है बताइए, ए इक्वल्स टू व्हाट माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है कि नहीं, यही ना स्टैंडर्ड इक्वेशन है एसएचएम का जी बाबू 10, ये सब पढ़ा हुआ है अभी जस्ट समझाया हुआ था तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर रहा बताओ, यहाँ पे अगर 8 है तो ऊपर चला जाएगा 16 हो जाएगा क्या, अरे डी बाई क्यू है ना तो डी क्यू बाई 8
तो डायरेक्ट लिख दूं क्या, 16 K Q Q0 / MD Q। थोड़ा और सॉल्व करते K का वैल्यू अगर, तो कर सकते थे ना 1/4 π, तो कर जाता कि नहीं, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं। ओमेगा स्क्वायर लिखे तो ओमेगा इसका अंडर रूट हो जाएगा कि नहीं, इतना स्टेप मार रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना जी। अब ओमेगा जब निकल ही गया तो टाइम पीरियड ही निकल गया, टाइम पीरियड कितना हो गया बताइए, टी कोस टू क्या 2π / ओमेगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ 2π / ओमेगा, तो ऊपर चला गया ना ओमेगा, देख सकते हो एम डी क्यू अपॉन क्या जी बाबू बताइए 16 K Q Q0 हो गया का अंडर रूट रहे ना, तो अंडर ए वाला 2π जाएगा तो 4π² हो जाएगा अंदर में जा करके, यही हो गया कि नहीं आंसर। नहीं समझ आया, ये टफ है क्या, बहुत इजी है, केवल समझना था कि SHM कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस तरह का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, HCV का क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। तो आप सोच रहे हो कि इतना बनाने का जरूरत है क्या, अरे समझाना था इसलिए इतना टाइम लगा, ऐसे में बहुत इजी है ना, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आता है ना आप लोग को, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाकई में इधर होता है, इधर होता कि नहीं, चूंकि दिमाग में पहले ही से बैठा था कि नेगेटिव चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर डायरेक्शन ले, तो रिप्लेस करना पड़ा फोर्स की वजह से, चूंकि कंसेप्ट गड़बड़ नहीं होना चाहिए ना, लेकिन बात तो वही है, कुछ खास नहीं है। जैसे देखो आप सोचते अगर इसको ओरली, तो इसको ओरली भी बनाया जा सकता है, मतलब ओरली क्या थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप बताइए सुनिए जरा, यहाँ से यही दो चार्ज था, ए चार्ज क्यू था, यहाँ पे भी चार्ज क्यू था, ये कितना है डी डिस्टेंस है, कितना है ए डी बाई टू है, अरे है ना, बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इसके वजह से, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाता, इसके वजह से किधर इलेक्ट्रिक फील्ड जाता इधर, अरे ए ई है तो ये भी ई होता कि नहीं, ई का वैल्यू निकाले थे ना, जस्ट निकाल लोगे ना, ए डी बाई टू है एक्स डिस्टेंस पर ही निकल जाएगा जी, ए थीटा तो ये भी थीटा रहा कि नहीं, तो अब रिजल्टेंट जो नेट फोर्स होगा वो इधर ही ना जाएगा ई नेट, अरे ई नेट इधर होगा कि नहीं, अब बताओ ई नेट तो निकल गया क्यों, क्योंकि ए वाला और ए वाला कंपोनेंट तो वैनिश कर जाता है, या रिजल्टेंट ऐड करते तो भी आता, क्योंकि ये थीटा है ये भी थीटा है कि नहीं, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड व्हिच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 2θ, द रिजल्टेंट विल बी 2e cos थीटा और नॉट, अरे होता कि नहीं रे बाबू, दो वेक्टर के बीच एंगल 2θ है ना, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो दोनों वेक्टर को ऐड कर रहा है जो उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, रिजल्टेंट बाइसेक्ट करता कि नहीं करता, तो यहां पर रिजल्टेंट पता चल गया, ई नेट कितना हो गया बताइए 2e cos θ होता रे, तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय नेगेटिव चार्ज, तो एफ नेट कितना हो जाता बताइए -Q0 × 2e cos θ होता कि नहीं, खत्म ना, यही ना चीज लिखे हुए यहाँ पे, नहीं लिखा हुआ है तो सिंपल होता, अभी भी नहीं समझ आया कोई दिक्कत, तो यहाँ पे क्यू चार्ज था, यहाँ पे भी क्यू चार्ज था, तुम लोग कन्फ्यूज मत होना, इसलिए यहाँ इसके बीच का सेपरेशन ही मैं 2D ले लेता हूँ, या डी भी ले तो कोई फर्क नहीं है उससे, ये क्या है इसके बीच का सेपरेशन कितना है 2D। नेगेटिव चार्ज कौन सा चार्ज बाबू, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को रखा था हमने, क्या रखा था नेगेटिव चार्ज, और इसको हमने क्या किया m मास डिस्प्लेस कराया कि नहीं कराया, तो ये क्या है ए, अगर -Q0 चार्ज रहता यहाँ पे आता -Q0, ये x बहुत छोटा है ना, x क्या है बहुत छोटा, x इज मच मच स्मॉलर देन d, उससे कोई कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं, कन्फ्यूज होगी नहीं तुम लोग, ठीक है, कन्फ्यूजन होना चाहिए भी नहीं, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे -Q0 था, स्टेबल इक्विलिब्रियम था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों, क्योंकि नेट फोर्स तो यहाँ पे जाकर के जीरो होना ही है, आप लोग से बताइए, तो यहाँ ई नेट पहले ही से आप दिमाग में बैठा लो कि ई नेट कितना होता है, तो ई नेट कितना होता है पता चला है ना आप लोग को, ए 2e cos θ होता है कि नहीं, तो ई नेट इधर डायरेक्शन नहीं होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पॉइंट पी पे ई नेट का डायरेक्शन इधर होगा कि नहीं, ई नेट कितना होता है 2e cos θ, अरे आता है ना 2e cos दिमाग में बैठना चाहिए, 2e क्या है भाई, तो KQ / a वाला x और a वाला d, अभी तो d हो गया ना, तो क्या x² + d² / 3/2, और x है कि नहीं ये वाला, अरे यही है ना, है कि नहीं, यही रिजल्ट है कि नहीं, देख लो तुम लोग बनाए हो ना, कोई दिक्कत है क्या, अरे cos थीटा होगा तो यही ना थीटा है, आप सोचो थीटा क्या है सर, तो थीटा यही ना है, तो ये रिजल्ट ही याद रहेगा ई नेट, तो -Q0 चार्ज अगर रखते तो नीचे की ओर फोर्स रहेगा कि नहीं, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है दैट इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव चार्ज पे उसी के लोगों ने लगता है,
तो अगर पॉजिटिव चार्ज को कराते अगर इधर डिस्टर्ब करते स्लाइटली तो सीधे निकल जाता ना उधर, बात समझ में आया कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। अच्छा यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है। अब अगर इसको डिस्टर्ब करते, मान लेते माइनस क्यू कर देते, माइनस क्यू कर देते, ठीक है? अरे क्लियर है ना। अब यहाँ पे जो चार्ज है वो क्यू नोट है और मास एम है, बहुत छोटा सा पार्टिकल है, इसको डिस्टर्ब किया किधर, एक्स। अब बताओ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनेट, वही नीचे की ओर होगा कि नहीं? और इनेट का वैल्यू वही होगा कि नहीं होगा? इनेट का वैल्यू क्या, टू के क्यू इंटू व्हाट, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2 होगा कि नहीं? टफ है क्या ये सब? अरे दिक्कत है। तो नेगेटिव चार्ज अगर रखते यहाँ पे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखे हो तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट ऑपोजिट। तब तो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं हुआ इसका मतलब ना? अरे स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं हुआ इसका मतलब ना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा ना फोर्स फील करेगा ये। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा ही ना फोर्स फील करेगा, इधर जा रहा फिर इधर जाता तो फिर इधर, इधर से निकलता फिर यहाँ पे जाता, इसी के इर्द गिर्द SHM करता। इसका मीन पोजिशन ये होता है, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो, यहाँ पे नेट फोर्स देखिए ना, क्यू नोट रखिए, क्यू नोट कुछ भी नल पॉइंट ना होगा जी, ओ इस पर तो नेट फोर्स जीरो ही ना है। तो याद करो मीन पोजिशन पे तो नेट फोर्स जीरो होता ही, तो एक कैसे याद रहेगा तो काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अभी भी नहीं समझ आया, थोड़ा बहुत इनको दिक्कत है लगता है। अरे बोल ना दिक्कत है, किसी को थोड़ा बहुत दिक्कत है तो बोलो, इसीलिए तो मैं सोलो चल रहा हूँ, ये सब कंसेप्ट थोड़ा सा समझने का चीज़ है। हाँ देखिए मैं बोल रहा हूँ कि इनेट, इसकी वजह से फील्ड कुछ नहीं, डायरेक्शन चेंज होता, देखिए ये वाला देखिए, इसकी वजह से फील्ड इधर आएगा आर्यन, इसकी वजह से फील्ड इधर आएगा इस पॉइंट पी पे, आएगा कि नहीं? तो इसका दो कंपोनेंट, यही ना थीटा हम लोग माने हैं, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, है कि नहीं? अगर इसको तोड़ते तो एक कंपोनेंट इधर एक इधर, और इस ई को तोड़ते अगर ई ए वाला जो ई था इसको अगर रिजॉल्व करते तो इधर और इधर, तो ए वाला कंपोनेंट एक कंपोनेंट बराबर इक्वल नो पॉइंट तो कैंसिल करता ना, तो इनेट तो इधर ही ना रहता। अरे इसी का जस्ट उल्टा है और क्या है, समझ में आया कि नहीं? लेकिन SHM कब कर रहा है, जब एक कंडीशन रह रहा है तब, बात समझ में आया कि नहीं? अभी भी नहीं समझ में आया। तो कैसा इक्विलिब्रियम था, स्टेबल या अनस्टेबल? तो हर जगह इसमें टाइम पीरियड निकाल लोगे कि नहीं? अरे कुछ नहीं फोर्स करना है, F इक्वल टू माइनस की वी होता है, यही ना फोर्स होता है? यहाँ पे माइनस, वहाँ पे माइनस की वी लगाते, यहाँ पे प्लस की वी लगाएंगे, कोई दिक्कत है? तो डिस्प्लेसमेंट उधर डिस्प्लेसमेंट किया हो नीचे क्यों रहे कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं? फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और नॉट इन बोथ द केसेस, हियर जस्ट आई हैव डिस्प्लेस्ड द चार्ज पार्टिकल अलोंग दैट डायरेक्शन एंड द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अलोंग दैट डायरेक्शन और नॉट, ऑब्वियसली द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 180 degrees और नॉट, गॉट इट? एंड हियर टू, इज इट, गॉट इट? तो ये होगा, इसमें टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए दिमाग में एक ही चीज़ तो बैठा करके आपको रखना है, F इक्वल्स टू माइनस की वी, तो वहाँ से भी तो निकलता ही है ना टाइम पीरियड, अरे क्लियर ना? नहीं तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, एक किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा ही ना मेन निकालना टारगेट होता है, जो अभी निकाल कर दिखलाए फिर से दिखलाना पड़ेगा क्या यहाँ पे? एक दूसरा इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ फिर अपना क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान दो ना, ये क्लियर है ना? तो डाटा याद रख लो, आप एग्जाम देने जा रहे हो ना तो आपको इसको याद ही रख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड याद रह जाएगा कि नहीं? अरे याद रह जाएगा कि नहीं? टफ चीज है क्या? सिंपल सा फंड है। अच्छा मैं मान लेता हूं यहाँ पे भी जस्ट चर्चा कर रहा था, शायद याद रखो यहाँ पे क्या है, क्यू है, अरे है यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्यू है। अब बताओ जरा एग्जैक्टली इसके बीच का लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है, 2D। तो एग्जैक्टली ये पॉइंट ओ है, मिड पॉइंट है, मान लेता हूँ ए है और ये क्या है, बी है। अब मैं फिर से वही कह रहा हूँ, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल नेगेटिव लो या पॉजिटिव, क्या लेना चाह रहे हैं आप, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव लेना चाह रहे हैं, गुड नेगेटिव ले ली। माइनस इसको इधर धक्का दे रहा हो, बताओ मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज लिए, किस चार्ज को, हम लोग परपेंडिकुलर टू एक्सिस दिया था ना वहाँ पे, अब एलोंग द एक्सिस दे रहे हैं, मैं मान लेता इसको डिस्टर्ब किए यहाँ पहुँच गया, ये कितना डिस्टेंस है एक्स, ए पॉइंट पी है कि नहीं, अरे है। अब बताओ इसके बीच का डिस्टेंस 2D है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना है, डी है ना, और यहाँ से यहाँ कितना है, अरे है ना। तो आप बताइए यहाँ अगर किए तो ए वाला कितना डिस्टेंस हो गया, 2D-6 हो गया क्या, कि D-6, D-6 हो गया कि नहीं, D-6, और ए वाला पॉइंट ए डी है,
यहाँ से अगर इसका डिस्टेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा, डी प्लस एक्स होगा कि नहीं, कन्फ्यूज नहीं हो रहा यहाँ से। अब बताओ ए पॉइंट पी पे है, पी पे, इस पॉइंट पी पे नेट फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज है तो घींचेगा ही ना जी, ए नेट फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए क्योंकि नेगेटिव चार्ज रखे हो शायद ना सौरभ, नेगेटिव चार्ज बोले हो ना आप, माइनस क्यू नोट बोले, तो नेट फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए बताइए तो कितना हो गया, के क्यू क्यू नोट डी माइनस एक्स का प्लस, कोई दिक्कत है? अब बताओ, आप बताओ बिनीट, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी, के क्यू क्यू नोट अपॉन डी प्लस एक्स का। अब बताओ तो जरा कौन ज्यादा है, कौन सा जो ज्यादा फोर्स है, फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए है या फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी है, सोच करके बताओ, नेट नेट फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए ज्यादा है या नेट फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी ज्यादा है, पी ड्यू टू ए है कि नहीं। तो आप जब इसको डिस्टर्ब किए इधर स्लाइटली तो यहाँ पे आने के बाद ए वाला फोर्स तो ज्यादा हो गया, ए वाला फोर्स तो कम हो गया ना, तो निकल लिया कि नहीं निकल लिया। तो क्या एस एच एम एग्जीक्यूट करेगा क्या, अभी भी नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है, एस एच एम एग्जीक्यूट करेगा क्या, तो स्टेबल इक्लियर यस करेगा ये नहीं। अरे बाबू नेट फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए देखो तो यहाँ से दिख नहीं रहा है, ऊपर तो कॉन्स्टेंट, नीचे वाला जो छोटा है वही ना बड़ा होगा वैल्यू, तो नेट फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए इज ग्रेटर देन नेट फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी और नॉट, तुम किधर डिस्टर्ब किए हो इसको, तो लेफ्ट साइड यहाँ पे आया तो फोर्स ज्यादा हो, फोर्स कम पड़ गया कि नहीं, तो इधर निकल नहीं लेगा चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल हमेशा किधर जाता है, जिधर रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा होता है, नहीं समझ में, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम रहा क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो एकदम क्लियर बात ना रहा, अनस्टेबल एस एच एम करेगा क्या, नहीं करेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत, सोचना है ऐसा, बहुत टफ चीज नहीं मैं बता रहा हूँ, बस केवल ध्यान दीजिए आप लोग, नहीं समझ आ रहा है। अच्छा अब बताओ, अगर मैं मान लेता हूँ समझाने के लिए यही केस था, यहाँ बना दूँ क्या डायग्राम, ये तो कॉपी कर लोगे ना तुम लोग, देखो समझो ना, रटना नहीं है, लिखना तो सब कुछ है, लिखते ही रहो, एक क्यू है, अब यहाँ पे भी क्यू है, अरे क्लियर है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यू नोट रहता है, क्यू नोट पॉजिटिव है जिसका मास सेम है, ठीक है वो अलग चीज है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, अब इसको इधर डिस्टर्ब किया, सारा हेयर जेल खत्म कर दूंगा मैं, बता देता हूँ, अब यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया, पॉइंट पी पे आया, ओ से कहाँ पे आया, अब बताइए कितना डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, डी माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस, अरे मैं समझा रहा हूँ, बाउंस नहीं ना कर रहा, ऊपर ऊपर ऐसे नहीं, अरे ऐसा नहीं ना हो रहा है। अब बताओ नेट फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए, एग्जाम्पल ये था, एक एग्जाम्पल जो भी था, एग्जाम्पल जो भी वन एग्जाम्पल टू, ध्यान देना समझा रहा हूँ, केवल समझिए ना, अच्छा चीज है यार, ये सब क्वेश्चन है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है सब, हालांकि कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी समझना है, नहीं समझ रहा होगा तो दिक्कत। अब बताओ नेट फोर्स यहाँ पी पे निकाल रहे हैं, बताओ नेट फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए किधर, राइट साइड, वेरी गुड, बोलिए नेट फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए कितना, के क्यू क्यू नोट अपॉन नेट फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी, इधर आएगा नेट फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी कितना आएगा आर्यन, के क्यू क्यू नोट अपॉन, किधर डिस्टर्ब किए थे आप, आप राइट साइड डिस्टर्ब किए हो कि लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड आप डिस्टर्ब किए हो कि नहीं, आप यहीं से ना चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, एक्सेस किया, यहाँ से यहाँ आया, एक्स है, एक्स ही ना डिस्टेंस है वाला, आप बताओ एक्स डिस्टर्ब किए, ए वाला ज्यादा ए वाला ज्यादा, पी ड्यू टू ए ज्यादा है, अब आ रहा है मेरे तरफ तो फिर क्या हो रहा है, धक्का दे रहे हैं कि नहीं हम, तो डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट नेट फोर्स हो गया कि नहीं, तो अब डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट नेट फोर्स हो गया तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जैसे जैसे इधर आ रहा है यहाँ पे नेट फोर्स जीरो, अब यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो गया तो फिर ये वाला फोर्स तो उधर ही नहीं लग रहा है अभी, तो ये वाला फिर इधर धक्का देगा, फिर यहाँ पे जीरो, फिर इधर जाएगा फिर इधर, अब यहाँ पे जब आया तो फिर कौन सा ज्यादा, ए वाला ज्यादा हो गया कि नहीं, अब फिर ये वाला कम हो गया कि नहीं, तो फिर ये धक्का देगा इधर कि नहीं, तो टू एंड फ्रो मोशन नहीं होते रहा, एस एच एम हुआ कि नहीं हुआ, नहीं समझ आया, और नहीं समझा पाया, या तो आप समझ नहीं रहे हो या तो फिर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो इसका तो मैं अच्छा समझा लेता हूँ, सही यही ना अंतर है स्टार लोग से पढ़ने से फायदा होता है, अभी भी नहीं समझ आया, अब देखो निकाल भी सकते हो आप एफ नेट, अब बताओ एफ नेट बताइए जरा,
ये कॉपी कर लिया हो ना, मतलब ए स्टेबल इक्विलिब्रियम रहा ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस रहा है, मतलब यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल रखे हो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, समझ रहे हो कि नहीं, तो स्टेबल। अभी डिस्टर्ब क्यों हो यहाँ पी पे, तो वहाँ पे नेट फोर्स निकल लिख लीजिए आप, इधर तो कॉपी कर लिए हो ना ये सब, समझा हुआ है ना, मैं इसका डायरेक्ट बना करके दिखा, ये सब कॉपी किया हो क्या पहले, समझ लिए ना, यहाँ पे पता चला ना आप लोग को, यहाँ पे पता चला ना SHM हो रहा है, क्यों हो रहा है, यहाँ पे माइनस क्यू नोट चार्ज पार्टिकल रहा है उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो SHM कर रहा है इसके एरिए, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू तो प्लस क्यू को कर रहे हैं तो ऐसे हो रहा है, यहाँ पे लोग यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, माइनस क्यू नोट को इधर उधर कर रहे हैं तो SHM नहीं हो रहा है, यहाँ पे SHM नहीं हो रहा है, SHM हो रहा है क्या, SHM नहीं हो रहा है, यहाँ पे SHM पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे SHM हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एफ पी ए बड़ा ना तो नेट फोर्स इधर ही ना होगा, और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और नॉट, एफ नेट जो होगा वो क्या होगा, एफ पी ए माइनस एफ पी बी, इज इट, मतलब एफ पी ए किसके बराबर है बताइए, तो डायरेक्ट में तेज तरह तो तुम लोग हो ही, के क्यू नोट बाहर निकाल लो क्या, अपॉन क्या हो जाएगा, वन अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस या माइनस, माइनस वन अपॉन डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या, अब बताइए क्या हो गया, के क्यू क्यू नोट एलसीएम लेने आता है ना, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं हो गया, कोई दिक्कत, अब बताइए डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बताइए क्या हो गया, के क्यू क्यू नोट सॉल्व कीजिए इसको, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स, अरे होगा माइनस, बताइए डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स अपॉन क्या, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर उड़ा, एक्स स्क्वायर उड़ा है कि नहीं उड़ा, अब बताओ क्या हुआ, के क्यू क्यू नोट हुआ, बताइए क्या, फोर डी एक्स अपॉन, इसको डी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, सॉरी डी, डी लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि एक्स जो है बहुत छोटा है ना, है सिंस एक्स इज मच मच स्मॉलर देन डी, तो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, सो व्हाट विल हैपन, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, डी स्क्वायर, अरे वही डी स्क्वायर का पावर टू करोगे तो वही ना आएगा, तो बताओ ए एफ नेट रहा कि नहीं, अब आप कराओ एक्स डिस्प्लेसमेंट किधर था, आप डिस्प्लेस किधर कराए थे एक्स, यहां से यहां ना इक्विलिब्रियम पोजिशन से इधर ना, अब फोर्स किधर लग रहा है, इधर की नहीं, तो अपोजिट तो हो ही गया, तो अगर डायरेक्शन की अगर बात हो तो माइनस साइन यहाँ दे सकते हैं कि नहीं आप, अरे समझ रहे हो ना, तो आप बता सकते हो एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन किसके बराबर हो जाएगा बताइए, एम आएगा इधर माइनस के अपॉन एम, ये क्या है क्यू क्यू नोट है ना, ये क्या फोर डी ऊपर क्या, अच्छा ए डी का पावर फोर ना होगा, ये क्या होगा डी का पावर फोर ना, डी स्क्वायर का पावर टू ना है तो क्या होगा डी का पावर फोर, तो क्या होगा एक्स अपॉन डी क्यू, अरे होगा फोर को यहाँ लिख सकता हूँ आगे ले आऊँ ऐसे, अरे कोई दिक्कत है, तो बता एक्सेलेरेशन किसके हो रहा, माइनस फोर के क्यू क्यू नोट अपॉन एम डी क्यू इंटू क्या हो गया एक्स, अब यहाँ से आ गया तो टाइम पीरियड नहीं निकल जाएगा, ओमेगा पता चल गया ना, अरे एंगुलर फ्रिक्वेंसी पता चल गया ना, अब यहाँ एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या है, लेकिन फिर भी ओमेगा पता चला ना, ओमेगा पता चला तो टाइम पीरियड निकल जाएगा कि नहीं, तो ओमेगा कितना हो गया बताओ, यहाँ से ओमेगा इक्वल टू व्हाट बताइए, अंडर रूट फोर के क्यू क्यू नोट अपॉन एम डी क्यू हो गया कि नहीं बाबू, तो ओमेगा पता चला था टाइम पीरियड नहीं निकाल लोगे, टाइम पीरियड किसके बराबर टी इक्वल टू व्हाट टू पाई अपॉन ओमेगा, आप बताइए टू पाई ओमेगा, इसको टू पाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, अंडर रूट तो ऐसे करने के बजाय ऐसे करो टू पाई ओमेगा किसके बराबर ऊपर अंडर रूट ऑफ व्हाट एम डी क्यू अपॉन फोर के क्यू क्यू नोट होगा ना, अब बताइए अंदर ले जाओगे तो इसको तो फोर पाई स्क्वायर एम डी क्यू अपॉन फोर के क्यू क्यू नोट का अंडर रूट, देखो कभी कभी ऑप्शन इसमें में दे देगा, फोर पाई स्क्वायर ठीक है फोर फोर कट जाएगा क्या, अच्छा नीचे कहाँ फोर के क्यू है ना,
अच्छा है तो है ना बाबू, ये यहाँ पे देख रहे हो, तो 4π² एम डी क्यू अपॉन क्या करोगे 4k का फिर 1/4π एप्सिलॉन भी पुट कर सकते हो इनटू व्हाट क्यू क्यू नॉट, तो ऐसे भी दे देगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 4 कटा ना तो ऊपर चला गया तो क्या हो गया 4πq एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यू अपॉन क्या क्यू क्यू नॉट, अरे हो गया कि नहीं, ये भी आंसर टफ है क्या, ये सब कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, ध्यान देना है, उसमें कुछ खास बात नहीं है, ठीक है।